नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है, वहीं आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। बता दें कि दो दिन से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण तटीय उड़ीसा के ऊपर 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। वहीं आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश व आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विशाल बाइक रैली का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर देश भर में 1 से 15 जून तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई जा रही है। इस रैली का संचालन जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश किरार और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र नागर ने किया। आपको बता दें, बाइक रैली पाटन देव से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों से भाजपा जिला कार्यालय पर पहुंची। रैली में बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला पद अधिकारी कपिल पटेल, अंशुल शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर जेपी किरार और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र नागर ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव में हमें भाजपा के लिए मतदान करना भी है और अधिक से अधिक मतदाताओं को बूथ तक लेकर भी जाना है। मोदी जी के द्वारा किए गए बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे कि बहुत सारी जो जो देश को जरूरतें थी, उन सब चीज़ों को मोदी जी ने आगे लोगों के अपने लोगों ने जो जो कहा उन्होंने सब करा। और हमारे युवा मोर्चा द्वारा आज यहाँ पे बाइक रैली निकाली जा रही है, उन्हीं जो 8 साल में मोदी जी ने जो जो काम किए हैं उन सब। डिंडोरी कोतवाली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान 221 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 23 लाख रुपए बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत निर्वाचन के दौरान क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसी दौरान जबलपुर बाईपास रोड पर बड़ी मात्रा में गांजा भंडारण और 2 संदिग्ध युवकों की मौजूदगी में सूचना प्राप्त हुई थी। इस दौरान कोतवाली पुलिस ने मौके पर दबिश दी। वहीं पुलिस को देख दोनों संदिग्ध युवक भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस ने 224 पैकेट गांजा बरामद किया। अपना मंडला बाईपास में जो भर रहा है थ्रेसर के पास में, उधर से हमको सूचना मिली थी कि दो लोग भर्रे के नीचे डाउन वाले पोर्शन में बैठे हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर स्टाफ को रवाना किया गया था। स्टाफ ने घेराबंदी कर जब हम मौके पहुंचे तो दो लोग बैठे हुए थे। पुलिस को देखते हुए दोनों लोग, जिनकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष थी, मोटरसाइकिल चालू करके वहाँ से भाग गए। जब काफ़ी स्टाफ ने उनका पीछा किया, लेकिन वो पुलिस को चकमा दे करके वहाँ से निकल गए थे। बाद में मौके पर जाके देखे तो वहाँ लगभग 224 पैकेट में गांजा रखा हुआ था, जिनको तौल किया गया, जिसकी मात्रा 2 क्विंटल 21 किलो आई है। अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर योजना में दिया गया। दोनों अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। बाजार मूल्य सर कितनी जानेंगे? बाजार मूल्य लगभग 25 लाख रुपये। मध्य प्रदेश के दो बड़े शहर भोपाल और इंदौर के हर घर में 10 किलो ई कचरा मौजूद है। ये खुलासा हुआ है सार्थक NGO की इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ ई वेस्ट इन MP की सर्वे रिपोर्ट में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में ये ई कचरा प्रदेश के गांव से लेकर शहर के हर घर में 5 किलो तक मौजूद हो सकता है। अगर इस मामले में जनता को अभी भी जागरूक नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, संस्था के ई वेस्ट क्लिनिक ने पिछले 3 महीनों में केवल भोपाल से 2800 किलो ई वेस्ट कलेक्ट किया, जिसमें मोबाइल चार्जर, प्रिंटर कार्टेज, AC, TV के रिमोट और मोबाइल बैटरी शामिल हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के बाद लोगों ने पुराने VCR, CD प्लेयर भी ई वेस्ट क्लिनिक को सौंपे। पुराने ई वेस्ट को खत्म करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ये पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।
मध्य प्रदेश के सागर की ग्राम पंचायत देवरी नाहर मऊ में जान की आदिवासी युवती निर्विरोध सरपंच चुनी गई, जिसकी उम्र महज 21 वर्ष है, जो पूरे प्रदेश भर में सबसे कम उम्र की सरपंच है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत देवरी नाहर मऊ की सरपंच पद के लिए एसटी के लिए आरक्षित सीट पर नामांकन दाखिल किया, वहीं निर्विरोध जीत कर हासिल कर गांव की सरकार चलाएंगी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे हुए राहुल को 100 घंटे हो चुके हैं। उसको बचाने का प्रयास अभी तक एनडीआरएफ कर रही थी, लेकिन अब जवानों ने कमान अपने हाथ में ले ली है। एनडीआरएफ को वहां से हटाकर अब सेना के जवान टनल में उतरे हैं। उनके साथ फोल्डेबल स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत आपातकालीन उपकरण हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी ही राहुल बाहर आ सकता है। राहुल की मां और उसके परिजनों को भी एम्बुलेंस की तरफ ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि अभी भी राहुल को बचाने में 3 से 4 घंटे या उससे ज़्यादा का समय लग सकता है। सवाल यहां बच्चे की जिंदगी का है। ऐसे में चट्टान तोड़ने के लिए सख्त रुख नहीं अपना सकते। वहीं दूसरी ओर राहुल की हालत अब बिगड़ रही है। उसके मूवमेंट का एक नया वीडियो अभी सामने आया है। इसमें राहुल सिर उठाता हुआ और रिस्पॉन्स देता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से भी ट्वीट कर कहा गया है कि सबकी दुआएं मासूम राहुल के साथ हैं। अभी इशारों में राहुल ने कुछ खाने की मांग की है। रेस्क्यू अभियान जारी है। वहीं चट्टानों से भी मजबूत इस मासूम बालक के साहस को सलाम है। देहरादून जिले में रफ्तार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला जिले के फुलैत गांव का है, जहां एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके चलते उसमें सवार यात्री घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुँचाया गया। बता दें कि गाड़ी में सवार सभी यात्री सिमियारी गांव के रहने वाले हैं। दुर्घटना के समय सभी यात्री सरकुंडा मंदिर जा रहे थे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जिला अस्पताल पहुंचे और घायल यात्रियों से मिले। इस दौरान उन्होंने घायलों के इलाज के लिए चिकित्सकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आज गुरैन के पास गाड़ी मिली है, जिसमें काफी लोग घायल हुए। 3 लोगों की हालत गंभीर है। मैं और हमारे एरियन में हम लोग यहाँ पर पहुँचे। मैंने निश्चित किया है कि उनका बहुत इलाज कराया जाए और शासन द्वारा जो मुझे राशि है वो तुरंत दे दिया जाए, ताकि वो उसकी काम आ सके। क्योंकि यहाँ पर हुआ है कुछ लोगों को, हमने मेरे 3-4 लोगों को बड़े से विशेष किया है, और जो सीरियस पेशेंट है उनको का इलाज यहाँ पर चल रहा है और उनको आईसीयू में। आगरा के जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या पर छात्र छात्राएं पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। दरअसल पूरा मामला मार्कशीट के अंकों से जुड़ा है। बता दें कि कोरोना काल के दौरान 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं ने बिना परीक्षा कराए अगली कक्षा के लिए प्रमोट कर दिया था, और मार्कशीट में नंबर की बजाय केवल प्रमोटेड लिख कर आ रहा है, जिसके चलते मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं जिला मुख्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए सरकार से नंबरों की मांग की। अभिनेता अर्जुन कपूर द लेडी किलर की शूटिंग के लिए नैनीताल पहुंचे हैं। उन्होंने आज मीडिया से मुलाकात की। इस दौरान अर्जुन कपूर ने नैनीताल की वादियों की तारीफ करते हुए कहा कि इस बार काफ़ी संख्या में पर्यटन नैनीताल पहुंच रहे हैं, जिसके चलते फिल्म लोकेशन पर जाने में खासा समय लग जाता है। अर्जुन कपूर ने कहा कि अगर सरकार उत्तराखंड में बेहतर सुविधाएँ देती है तो यहाँ फिल्म शूटिंग के लिए काफ़ी लोग पहुँचेंगे। एंड आई थिंक वी शुड नॉट क्रिएट अ सिचुएशन जहाँ पे एक डिवाइड बनाया जाए कि यार वो चल रही है हमारी नहीं चल रही। फेजेस होते हैं, चीज़ें होती हैं। इस वक्त वो जिस तरह का सिनेमा दर्शा रहे हैं वो आम आदमी को बहुत पसंद आ रहा है। हम उसे सीख रहे हैं, हम उसे समझ रहे हैं। हमने भी वही सिनेमा बनाया। अगर आप देखेंगे तो हमारी फिल्मों पर भी वही छवि रही है। हिंदुस्तान तो एक ही है और एंटरटेन करने का मकसद भी एक ही है। तो ये साउथ नॉर्थ का डिवाइड जब आने लगता है बातों में ना, तो ऐसा लगता है कि कोई रेस है। Eventually, race should only be to entertain all of y'all, not for which language is doing better and which language. Because अगर देखा जाए तो हमारी पिक्चर उनके लैंग्वेज में डब होती है, उनकी फिल्में हमारी लैंग्वेज में डब होती है। हम आज टीवी पे देख पाते हैं, अब डिजिटल पे देख पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट तो कॉमन चीज़ है कि मेरे लिए तो लकी रही है।
उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में ग्रामीण सरकार की बखूबी मदद कर रहे हैं। ताज़ा तस्वीर बलिया जिले के ककरहट्टा गांव की है, जहां ग्रामीणों ने अवैध शराब की भट्टियों को तहस नहस कर दिया और लहान को नष्ट कर दिया, जबकि ड्रमों में भरी शराब को खेतों में फैला दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही CO ने कहा कि जिस इलाके में शराब नष्ट की गई है वो उत्तर प्रदेश और बिहार को बॉर्डर पर है। पुलिस मामले में संज्ञान लेकर जाँच कर रही है। मनियर के ककरहट्टा गांव के, जो कि घाघरा नदी के किनारे है, ग्रामीणों द्वारा शराब को नष्ट करने का जो वीडियो वायरल हुआ है, इस संदर्भ में मेरे द्वारा जांच की जा रही है तथा पुलिस टीम भेजकर उसको लगातार उस पर दबिश चल रही है। पूर्व में भी शराब के कई मुकदमे वहां दर्ज किए गए, चूँकि नदी के किनारे है जो बिहार का बॉर्डर लगता है, और वहाँ पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई चल रही है। शिरडी के साई बाबा धाम, जहाँ लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, यहाँ के चढ़ावे की बात करें तो चंद महीनों में करोड़ों का चढ़ावा बाबा साई को चढ़ जाता है। वहीं साई बाबा धाम में कोरोना के बाद भी चढ़ावे में कोई कमी नहीं आई। साई संस्था की CEO भाग्यश्री बानायत ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार की अनुमति से साई मंदिर 7 अक्टूबर 2021 को भक्तों के लिए खोला गया था, लेकिन कुछ दिन तक भक्तों की संख्या कम रही। मंदिर खुलने के बाद 31 मार्च 2022 तक 41 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने साईं बाबा की समाधि का दर्शन किया, तो वहीं इन 7 महीनों में 188,55,31,971 रुपए का दान जमा हुआ। कोविड की स्थिति पहले काफ़ी हमारे साईं बाबा संस्थान की तरफ आने वाले दान का ओघ काफ़ी कम हो गया था, लेकिन मंदिर खुलने के बाद आने वाले दान में काफ़ी बढ़ोतरी दिखाई गई है, और आज तक अक्टूबर 2021 के बाद आज तक साईं बाबा के डोनेशन बॉक्स में 188,55,00,000 से भी ज़्यादा दान डाला गया है। अर्थात शिरडी की सबसे बड़ी क्राउड का रीज़न ही भक्तों की साईं बाबा के ऊपर जो श्रद्धा है, जिस श्रद्धा की वजह से लोग साईं बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पे खींचे चले जाते हैं, वही इसका सबसे महत्वपूर्ण रीज़न हम मान सकते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून अरब सागर ब्रांच के जरिए इंदौर संभाग से एंट्री ले सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच सक्रिय नहीं हुई, जबकि अरब सागर वाली ब्रांच सक्रिय है। वहीं करीब 15 या 16 जून के आसपास मानसून मध्य प्रदेश पहुंच सकता है। भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर मध्य देश में मानसून और उसके पहले प्री मानसून का इंतजार हो रहा है। इस बीच शनिवार को मानसून पश्चिमी तट पर गोवा मुंबई को पार करते हुए पहुंचा। हालांकि अब दक्षिणी गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंचने के लिए अनुकूल स्थितियां बन चुकी हैं। इसके साथ ही दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बीते प्री मानसून बारिश हो रही है। इन दिनों नगर निगम चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के अलावा टेंट व्यापारी भी कुछ वार्डों में अपने प्रत्याशी को खड़ा करने की बात कह रहे हैं। टेंट व्यापारी संघ ने सोमवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी कि आगामी निकाय चुनाव में हम मैदान में उतरने जा रहे हैं। वैसे भाजपा पार्टी के तरफ से टिकट की मांग की है, भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित करे, अन्यथा निर्दलीय भी चुनाव मैदान में डटने की तैयारी है। कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन की आज एक बैठक आयोजित की गई थी नगरीय निकाय चुनाव एवं ग्रामीण चुनाव को लेकर के। चूँकि कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन एक सामाजिक संस्था है और प्रदेश की प्रथम पंजीकृत टेंट व्यवसायिक संस्था है। हमारे संस्था का व्यापारी बड़ा ही सेवाभावी होता है, हर समाज हर समुदाय से उसका जो सीधा जुड़ाव होता है, इसलिए हमारे इन 45 वार्डों में हमारे 3 योग्य प्रत्याशी जो दावेदारी भाजपा से की है और उनके समर्थन में आज ये पूरा हमारा संस्था इकट्ठी हुई है, जिनका कहना है यदि भाजपा इन 3 प्रत्याशियों को टिकट देती है, वार्ड क्रमांक 18, वार्ड क्रमांक 34 और वार्ड क्रमांक 38 से, और प्रबल दावेदार है, हमने अपने संस्था के द्वारा सर्वे भी कराया है। चुनाव समिति की बैठक में शामिल होकर भोपाल से ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि BJP की नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रणनीति लगभग तैयार है, जल्द ही टिकटों का वितरण शुरू किया जाएगा। हम ये चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीत कर कांग्रेस के 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सपने देखने का अधिकार तो सबको है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम और योजना के अनुसार तैयारियों में लगी हुई है। कल राज्य चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो गई है।
उसमें लगभग विचार विमर्श हो गया है, कुछ और बातचीत करना शेष है, जल्दी ही टिकट घोषित हो जाएंगे, वार्ड पार्षदों के भी टिकट घोषित हो जाएंगे और महापौर के भी टिकट घोषित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और हम सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी जीते इसका प्रयत्न करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने फिट ऑफ इंडिया के तहत साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस कोटी कॉलोनी पहुंची। रैली के बाद केंद्रीय मंत्री ने केंद्र वित्त पोषित योजनाओं के तहत स्वदेश दर्शन का भ्रमण, टिहरी झील व डोबरा चांठी पुल का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन टूरिस्टों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं बोट प्रतिनिधियों ने बोटिंग स्थल पर टूरिस्ट के बैठने के लिए 3 शेड, पानी, शौचालय की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक देव प्रयाग विनोद कंडारी, विधायक घनसाली शक्तिलाल शाह सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन चोर मचाए शोर जैसा है। सीएम बघेल यहां की स्थिति को अनदेखा कर उसमें शामिल होने गए हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेसी गवर्नमेंट के समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें 2 बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। 9 घंटे उनसे पूछताछ भी की गई थी, तब उन्होंने कोई ऐसा प्रदर्शन या लाव लश्कर नहीं किया बल्कि अकेले उसका सामना किया। वहीं अब ईडी के मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन चोर मचाए शोर की तरह है। आश्चर्य होता है मुझे कांग्रेस के चरित्र को लेकर। ये वही कांग्रेस है जिसने ये भी देखा कि ईडी के बुलावे में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते मोदी जी को 2 बार बुलाया गया, 9 घंटे बैठाए गए, 9 घंटे में लगातार मोदी जी ने कोई मेला ठेला भीड़ भाड़ लेके प्रदर्शन नहीं किया। मोदी जी ने अकेले गए और उन्होंने कहा मैं हर बात का जवाब दूंगा, हिम्मत के साथ उन्होंने बात कही और जो प्रश्न करना है अंत में उन्होंने पूछा और कोई प्रश्न बाकी है क्या, उन्होंने कहा नहीं अब हमारे पास प्रश्न नहीं है। एक गिलास बिना पानी पिए जो व्यक्ति 9 घंटे फाइट कर सकता है, 2-2 बार ईडी के सामने प्रस्तुत हुए, आज इनके नेता यदि ईडी ने बुला लिया तो पूरे के पूरे प्रदेश भर को देश भर में आंदोलन की बात कर रहे हैं। क्या मोदी जी के साथ कोई आंदोलन हुआ था? आज ये बात को देखकर यही लगता है कि चोर मचाए शोर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर पलटवार करते हुए कहा कि आप जो खर्च कर रहे हो उसका हिसाब देना पड़ेगा। राज्य सरकार का मानना है कि खाता ना बही, भूपेश जो कहें वही सही, ऐसा नहीं चलता। बच्चों के पोषण के लिए मिलने वाली राशि में अरफा तरफी करोगे तो हिसाब तो मांगा जाएगा, आप हिसाब दीजिए, केंद्र सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। राज का मामला सिर्फ यही है, खाता ना बही, भूपेश जो कहे वही सही, ऐसा नहीं चलता। आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा जो खर्च कर रहे हो पोषण आहार बच्चों के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए, उसमें भी इतनी बड़ी अरफा तरफी करके हिसाब देने का जब समय आता है तो हिसाब नहीं प्रस्तुत होता और इसलिए केंद्र सरकार फिर वो राशि को रोक देती है। रोकती इसलिए है कि आपके हिसाब में गड़बड़ी है, उस एक हिसाब को पूरा करिए, केंद्र सरकार सभी प्रकार की मदद देने को तैयार है। कोर्ट मार्शल की जवानों के परिवारों को हर संभव मदद देने वाली गतिमान फाउंडेशन की सराहना करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि आज हमारा देश अगर लहराता है तो आर्मी के जवानों के परिवार का तप और त्याग है। ऐसे सैनिक परिवार जिनके साथ गलत होता है, गतिमान फाउंडेशन ऐसे लोगों की मदद करता है। अरे गतिमान फाउंडेशन जिस तरह से पूरे देश के सैनिकों के लिए कार्य कर रहा है, विकास जी हमारे साथ हैं, उसको चलाते हैं और क्षत्रिय समिति, क्षत्रिय जागरूकता समिति की हमारी महिलाएं हैं और सभी, और गतिमान फाउंडेशन जो पूरे देश के है, ग्वालियर से, आज मैं ग्वालियर में हूँ, मध्य प्रदेश है और ग्वालियर धार्मिक नगरी है, ग्वालियर धर्म की नगरी है और शासन काल के समय, प्राचीन काल की बात करें, राजसी शासन की बात करें, वो तो सब ठीक है ही है।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मक्का का समर्थन मूल्य न मिलने पर धरना प्रदर्शन करने पर रायगढ़ और पखांजूर में भाजपा विधायकों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि सही नहीं है। बीजेपी युवा मोर्चा और अन्य संगठन प्रदेश स्तर पर इसका विरोध करेंगे। निश्चित रूप से रायगढ़ का प्रदर्शन हो गया, युवा मोर्चा का भी प्रदर्शन होना है और प्रदेश स्तर में इसके खिलाफ सभी स्तर में इसका विरोध होगा और भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा और अन्य हमारे सभी संगठन ऐसे कोई भी घटना का विरोध करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में राहुल के बोरवेल में गिरने के मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि हम सबकी दुआओं में राहुल शामिल है। राहुल के बचाव अभियान में अब गाँव पीड़ित का हर नागरिक जुड़ गया है। आम लोग गाँव में लगे सभी हैंडपंप से पानी निकाल रहे, जिससे कि बोरवेल में पानी का स्तर कम रहे। राहुल के बचाव अभियान में हर वर्ग की प्रार्थना शामिल है। राहुल गांधी को ईडी के समन पर कांग्रेस का प्रदर्शन, दिल्ली से बिलासपुर तक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा ऐसे लोगों का विरोध करती है जो सर्वधर्म की बात करते हैं। बीजेपी ईडी के जरिए राहुल गांधी के चरित्रिक हत्या कर रही है। वहीं बिलासपुर जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शहीदों और बलिदानों की पार्टी है और कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं है। चिकित्सकों की कमी और लापरवाही के चलते छतरपुर में मरीज दर दर भटकने को मजबूर हैं। ताजा मामला जिला अस्पताल का है, जहां हर रोज हजार से ज्यादा मरीज आते हैं, जिनमें से अधिकतर को बिना चिकित्सक को दिखाए लौटना पड़ता है। रही सही कसर डॉक्टर समय पर ना आकर पूरी कर देते हैं। आलम यह है कि मरीज सुबह 6 बजे से ही अस्पताल में अपने नंबर के लिए इंतजार करते हैं, पर कई बार उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है, जिसके चलते मजबूरन मरीजों को परेशान होकर निजी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ता है, जो उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। टिहरी झील पर बने डोबरा चांठी पुल के पास सड़क हादसा हुआ। इस दौरान एक गाड़ी पुल के नीचे जा गिरी। गाड़ी में सवार विक्रम सिंह नेगी निवासी ग्राम मोटना की मौत हो गई। राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय का समन मिलने के बाद से ही कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते अंबिकापुर में जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने धरना दिया और काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को डराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे क्रियाकलापों के लिए भारतीय राजनीति में कोई स्थान नहीं है। हम गांधी तरीके से इसका विरोध करते रहेंगे। भारत के तानाशाह शासक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकार के द्वारा जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को श्रीमती सोनिया गांधी जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और माननीय राहुल गांधी जी और अन्य नेताओं को डराने के लिए, उनको हरासमेंट करने के लिए टेरर पैदा किया जा रहा है, दहशत जो पैदा किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है कि भारतीय राजनीति में इस प्रकार के क्रियाकलाप के लिए कोई स्थान नहीं है। ग्वालियर जिले में बाल विवाह का मामला सामने आया है, जिस बात की शिकायत नाबालिग बेटी की दादी ने थाने में की। पूरा मामला हस्तिनापुर थाने के ग्राम घुरैया पूरा अरोली का है, जहां 20 अप्रैल को 14 वर्षीय लड़की का विवाह संजय नामक एक युवक से हुआ था, लेकिन बच्ची की दादी ने कम उम्र का हवाला देकर शादी को रुकवाने की कोशिश की थी, लेकिन घर वाले नहीं माने। तब लड़की की दादी ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने बाल विवाह के मामले में मां नीतू, नाबालिग के नाना नानी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं शादी करने वाले सुनील नामक युवक को भी आरोपी बनाया गया, जिसमें कि बच्ची जो है, जो कि 14 साल की बच्ची है, और उसकी दादी ने शिकायत की थी कि इसकी जो बच्ची की मदर और उसके जो मदर के पक्ष के लोग हैं, जो मायके वाले, उनके द्वारा इस बच्ची की ज़बरदस्ती शादी कर दी, जबकि वो बाल विवाह है और 14 साल उसकी उम्र है। तो इस आधार पर पूरी जब इंक्वायरी की गई तो उसमें फिर बाल विवाह के तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसमें बाल विवाह अधिनियम की धारा 9/11 के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है, जिसमें कि बच्ची की माँ और बच्ची के जो मायके पक्ष के नाम नामी हैं और इसके अलावा जिस लड़के से शादी की है, उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया।
सीहोर जिले के नसुल्लागंज में एक तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत और एक घायल हो गया। बता दें कि 5 दिन में नसुल्लागंज में 4 लोगों की डंपरों से मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विभाग के अधिकारियों के तबादले हुए। मंत्रालय से आदेश के बाद तबादले की लिस्ट में संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक और सहायक जनसंपर्क अधिकारी शामिल हैं, जिसमें 15 से अधिक जनसंपर्क अधिकारी के तबादले हुए, जिसमें पंकज गुप्ता जिला संपर्क अधिकारी को संचालनालय रायपुर किया गया। वहीं संत कुमार चंद्राकर, सुजीत कुमार सिंह अब रायपुर में अपनी सेवाएं देंगे और जरीन खान सहायक संचालक को जांजगीर चांपा भेजा गया। साथ ही विशाल कुमार जायसवाल को गोरेला पेंड्रा मरवाही की जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में खनन माफिया आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रात हो या दिन, यहां खनन के ट्रक सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं। वहीं ये ओवरलोड ट्रक थाने के सामने ही निकलते हैं, लेकिन इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देश में पड़ रही भीषण गर्मी से जनता बेहाल है। इस बीच आगरा में ताजमहल देखने आ रहे सैलानियों को ताजमहल परिसर में पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। अव्यवस्था का आलम यह है कि परिसर में बने नल सूखकर शोपीस बन चुके हैं, जिसके चलते हर उम्र तबका और शहर के सैलानी परेशान हो रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।